सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में टेक्निकल कौशल में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेशन 5 वर्सेस प्लेशन 5 डिजिटल एडिशन। अगर आप इसमें कंफ्यूज होने वाले हैं कि प्लेशन 5 और डिजिटल एडिशन इसका क्या है, तो डिजिटल एडिशन में आप सिर्फ जो गेम्स हैं वो डिजिटली डाउनलोड करेंगे, मतलब अपने इंटरनेट से गेम्स को डाउनलोड करेंगे। और प्लेशन 5 में जो है आप गेम्स को सिर्फ ऑफ डिस्क डालकर ही प्ले कर सकते हैं। तो यही बात है दोनों में, और कोई डिफरेंस ज़्यादातर नहीं है। और जो बाकी डिफरेंस होंगे वो मैं आपको आज की वीडियो में बताता रहूँगा। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले पॉइंट से मैं एक बात पहले कर लूँ कि आपको कुछ दिन पहले, आपको एक दो दिन पहले आपको सोनी ने इसके हार्डवेयर को रिवील कर दिया था, और जिस हार्डवेयर में आपको बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन मिला है प्लेशन 5 का। बट इससे पहले आप कोई भी गलती कर दें, उससे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइसेस के बारे में। तो प्राइसेस जो है सोनी ने कोई भी लॉन्च नहीं किए हैं दोनों में, किसका क्या होगा। बट ऑब्वियसली मैं इतना बता दूँ, एक सस्ता होगा एक महंगा होगा, ये बात ज़रूर है। और सस्ता भी मैं बता दूँ कौन सा एडिशन होगा, तो वो होगा डिजिटल एडिशन, ब्लूरे एडिशन नहीं होगा। तो क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आपको उसमें काफ़ी कम फीचर्स भी मिल जा रहे हैं। आपको प्लेस्टेशन के जो डिजिटल एडिशन है उसमें काफ़ी कम फीचर मिल रहे हैं, थोड़े से कुछ फीचर्स आपको कम हैं। और ऐसे ही आपको जो ब्लूरे एडिशन है उसमें आपको कुछ फीचर्स ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वो ज़्यादा उससे एक्सपेंसिव होगा। अभी इन सब का प्राइसेस कितना एक्सपेंसिव होगा, कितना होगा, क्या उसका हाफ प्राइस भी होगा, तो इतना नहीं पता। बट हाँ, इसको मैं एज अ कन्वर्ट कर एज अ एक उसके थ्रू एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। जैसे कि अभी एग्जाम्पल तो नहीं है ये, बेसिकली ये रियल की बात है कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सबॉक्स वन एस को लॉन्च किया था, उसके साथ एक डिजिटल एडिशन को भी लॉन्च किया था। माइक्रोसॉफ्ट का अगर हम प्राइस रखें तो आजकल कोई भी प्राइस जो है उसको अप डाउन होते रहते हैं, उसके कहीं भी ऑनलाइन अगर हम चेक कर लें। बट एवरेज मैं 25,000 रुपीज़ का उसका प्राइस लेके चल रहा हूँ, और 25,000 रुपीज़ में आपको जो है उसका ब्लूरे एडिशन मिलता था, जिसमें आप डिस्क से गेम्स प्ले कर सकते थे। और जो डिजिटल एडिशन था वो आपको तकरीबन 20,000 के आसपास मिल जाएगा, 20-21,000 के आसपास मिल जाएगा, जो कि मतलब उससे 4,000 या 5,000 रुपीज़ महंगा है। अगर हम प्लेशन 5 की बात कर लें तो इसमें भी शायद यही होने वाला है कि जो प्राइसेस है वो शायद 10,000 या 11,000 के आसपास ज़्यादा हो सकते हैं, कम तो नहीं होंगे, बट हाँ इतने तो होंगे ज़रूर, क्योंकि प्लेशन जो है 70,000 के आसपास एक्सपेक्टेड प्राइस बताया जा रहा है कि इतने आसपास लॉन्च होगा। अभी कंपनी ने जो है किसी ने भी कोई भी डिटेल नहीं बताई है किसी को भी कि कितने में सोनी लॉन्च करेगा इसको, बट हाँ एक्सपेक्टेड प्राइसेस के हिसाब से 70,000 के आसपास लॉन्च होगा। और अगर हम बात करें प्लेशन 5 की, तो उससे 10,000 रुपीज़ वो उससे महंगा हो सकता है। बट हाँ, जो यार इतना पैसा खर्चने वाला है ना, आपको महंगा दूँ ये 10,000 का प्लीज़ आंकड़ा मत देखना कि हाँ 10,000 रुपये है, आपको 10,000 के अंदर क्या मिल जाता है वो आज की बात करूँगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, आपको जो प्लेस्टेशन डिजिटल एडिशन है वो आपको सस्ता मिलने वाला है एज़ कम्पेयर टू प्लेस्टेशन 5 से, इतनी बात पक्की है। अभी इसका जो आंकड़ा है 10,000 से नीचे भी हो सकता है, क्या पता उससे 9,000 सस्ता हो, 8,000 सस्ता और गिर जाए, 5,000 सस्ता हो, तो इतना मुझे नहीं पता, इतना भी सोनी कुछ नहीं बता सकता। हम एज अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स से लेकर चल रहे हैं कि कितना प्राइस हो सकता है। तो और फीचर्स के बारे में बात कर लें, इन 10,000 रुपये में आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं जो ज़्यादा मिल जाती है प्लेस्टेशन 5 ब्लूरे एडिशन में। तो सबसे पहली बात जो आपको मिल जाती है वो मिल जाती है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी क्या है, इसका मतलब है आप प्लेस्टेशन 4 की जो गेम्स है आपको प्लेस्टेशन 5 में खेल सकते हैं। बट अगर आप डिजिटल एडिशन लेते हो तो आप उसमें कोई भी गेम नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि आप उसमें कोई भी फिजिकल डिस्क नहीं ले पाएंगे, और जो प्लेस्टेशन 4 की फिजिकल डिजिटल गेम्स है वो आपको प्लेशन 5 में नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ जो भी आपको सीरीज़ के थ्रू ही गेम प्ले करनी पड़ेगी, जो कि मेरे हिसाब से यार एक नुकसानदायक उनके लिए है, जो कि प्लेशन 5 के लिए, मतलब आप प्लेशन 4 की भी गेम्स खरीदने वाले हैं। बट मेरे हिसाब से आप डिजिटल एडिशन प्लीज़ मत लेना अगर आपको प्लेशन 4 की भी गेम्स खेलनी है, और तो और प्लेशन 4 की भी गेम्स खेलनी है, प्लेशन 5 की भी खेलनी है, वो भी डिस्क के साथ, तो आपको डिजिटल एडिशन के साथ तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगला जो पॉइंट है या नुकसान है जो कि डिजिटल एडिशन का है, वो है आपको ब्लूरे प्लेयर नहीं मिलता। ब्लूरे प्लेयर मतलब कि आप उसमें जो कि सीरीज़ वगैरह है, मूवीज़ की सीरीज़ है, आप उनको प्ले बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जो कि एक उल्टा नुकसान आ रहा है फिर से डिजिटल एडिशन को फिर से उसके लिए। बट हाँ, आपको मैं बता रहा हूँ इसी प्राइस के अंदर आपको क्या क्या जो है एडवांटेजेस देखने को मिल जाएंगे प्लेशन 5 के, यही बात है। और ये भी एक एडवांटेज है जो कि मिल जाता है। हाँ, हालांकि इंडिया में बहुत कम जो लोग हैं वो यूज़ करते हैं ब्लूरे प्लेयर, क्योंकि आजकल जो हम मूवीज़ देखते हैं वो वगैरह नेटफ्लिक्स वगैरह इन चीज़ों पर या लैपटॉप वगैरह पर देख लेते हैं,
कोई भी ब्लूरे प्लेयर नहीं यूज करता, बहुत कम लोग यूज करते हैं, बट हाँ कुछ मूवीज होती होगी स्पेशली ब्लूरे प्लेयर में ही प्ले करनी पड़ती या फिर उन्हीं में उसकी डिस्क मिलती है, तो हाँ उन लोगों को भी वो फ़ायदा है, या फिर उनके पास कोई पुरानी मूवी या पुराने जो डीवीडी प्लेयर में अपनी मूवी प्ले करते थे वो भी अपनी ब्लूरे प्लेयर में प्ले कर सकते हैं अपनी मूवी को। चलिए फिर अगले पॉइंट के पास चल जाते हैं, और वो पॉइंट है गेम्स प्राइसेस का। गेम्स प्राइसेस की बात करें तो आप ऑफलाइन लेने जाते हैं जब गेम, आपको फिजिकल डिस्क मिलती है, फिजिकल डिस्क भी आप डिस्काउंट पा सकते हैं एक तो, या तो फिर कोई भी मतलब इवेंट हो उसमें डिस्काउंट चल रहा हो, या तो फिर आप अपनी बारगेनिंग स्किल्स के साथ थ्रू एक डिस्काउंट पा सकते हैं। तो इसका मतलब है जो फिजिकल डिस्क होगी उस पर अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर वो सस्ती हो जाएंगी, बट जो फिजिकल जो कोई डिजिटल गेम है उस पर आप कोई भी डिस्काउंट नहीं पा सकते, जो कि गेम का प्राइस है उसी पर आपको खरीदनी पड़ेगी ऑलरेडी, जो कि मतलब जिसके हिसाब से हम प्राइस का हाई भी रख सकते हैं कि प्राइसेस हाई होंगे। तो इस बात से हम थर्ड पॉइंट के बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर फोर पे, तो वो पॉइंट है गेम्स के रीसेल वैल्यू का। देखिए जब आप गेम खरीदते हैं, कुछ गेम्स होते हैं जो कि स्टोरी मोड गेम होती है, जैसे स्टोरी खत्म उसके बाद गेम का खत्म कुछ नहीं रहा, तो वो गेम्स जो होंगी मेरे हिसाब से यार आपको रीसेल करनी है तो आप प्लेस्टेशन की जो डिजिटल है उनको रीसेल बिल्कुल नहीं कर सकते, और फिजिकल डिस्क को आप रीसेल कर सकते हो, आपको नहीं अच्छी लगे थोड़े टाइम बाद या अपने फ्रेंड को किसी को भी बेच दो या फिर उसी दुकानदार को बेच दो जो कि ले लेता है, बट अगर आपके पास एक डिजिटल गेम है आप उसको नहीं कर सकते, और जो कि डिजिटल एडिशन का एक और नुकसान है। अभी बात कर लें तो अभी कुछ भी सोनी ने इसके बारे में नहीं बताया है, बट हाँ फिजिकल कब कौन सी चीज़ क्या होगी, बट मेरे हिसाब से सबसे पहले जो लॉन्च होगा वो होगा प्लेस्टेशन 5 जो होगा ब्लूरे डिस्क वाला, और डिजिटल एडिशन बहुत ही कम सेल होगा क्योंकि हमारे जो इंडिया है इसमें मैं बता दूँ आपको कुछ ही मतलब सिटीज़ है, जैसे मेट्रो सिटीज़ है, जैसे मैं बात कर लूँ दिल्ली की, मुंबई की, चेन्नई की, बेंगलोर की, कलकत्ता की, इन सिटीज़ की बात कर लूँ तो यार बड़ी बड़ी सिटीज़ है जिनमें अच्छी इंटरनेट कनेक्शन तो हर बंदे को मिल जाता है, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन मतलब उनके पास वाईफाई या ब्रॉडबैंड तो ज़रूर होगा, बट औरों की बात कर ले जैसे और स्टेट्स जो भी या फिर जो छोटी छोटी सिटीज़ हैं उन पे ये लोग नहीं खेल सकते, जिनको ऑफलाइन गेमिंग का मज़ा लेना है वो भी इस पे नहीं ले सकते। ऑब्वियसली यही सिंपल सी बात यही आ रही है कि अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, उस पर 20-30 Mbps के अबव की स्पीड नहीं है तो आप इस पर नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि मैं आपको एक गेम का साइज़ बता दूं, क्योंकि प्लेस्टेशन 4 की जैसे गेम्स थी उनका जो डिजिटली साइज़ था वो जो आप प्लेस्टेशन की साइट पर जाके देख सकते हैं वो है 40 GB के आसपास, 40-50 GB के आसपास एक आम गेम का साइज़ होगा, और ऐसे अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपको 70-100 GB के आसपास की गेम हो सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है साइज़ बड़ा है, और यार इसके लिए आपको अनलिमिटेड आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और अच्छी खासी स्पीड होनी चाहिए ताकि आप डाउनलोड कर सको, ये ना हो कि आप डाउनलोड करने लगो 3-4 घंटे बाद आपका डाउनलोड हो, फिर यार कोई फ़ायदा नहीं उस इंटरनेट का। तो यही बात है प्लेस्टेशन 5 को लेकर, ऑल्सो प्लेस्टेशन 5 जो है नवंबर तक लॉन्च हो जाएगा एक्सपेक्टेड है। ऑल्सो अगर आप प्लेस्टेशन 5 के बदले कुछ बहुत कुछ ले सकते हैं, अगर आप प्लेस्टेशन 5 डिजिटल एडिशन लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आप यार एक PC ले लीजिए, वो इससे ज़्यादा बेहतर रहेगा, या PC भी आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी गेम्स, बट आप अच्छे खासे उस पर गेम्स पे मतलब अच्छी फ्री गेम्स खेल सकते हैं, अच्छी खासी उससे हाई FPS की जो भी आप गेमिंग केयर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कंसोल। बट कंसोल जो है अगर आप थोड़ा सा ही लेना चाहते हैं, आपका बजट बन रहा है, या मैं कहूँगा स्ट्रेच करके ज़रूर चलिए प्लेस्टेशन 5 का, और हाँ अगर आपके पास अच्छा खासा इंटरनेट कनेक्शन है और आप खर्चना चाहते हैं तो आप डिजिटल एडिशन ही खरीदिए, अपने घर वालों से कहिए फिर वही खरीदने को कहें, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप बिल्कुल भी कोई गेमिंग नहीं कर सकते। प्लेस्टेशन 5 पे भी आपको कुछ गेम्स होते हैं जिनको में आपको इंटरनेट कनेक्शन ज़रूरी होता है और आपको अपडेट भी ज़रूरी होता है, बट हाँ काफ़ी सारी गेम्स हैं जिन पर नहीं ज़रूरी होता, तो मैं कहूँगा यार सिंपल सी बात है डिजिटल एडिशन की तरफ मत जाओ, प्लेस्टेशन 5 के साथ जाओ, आपको इसमें भी फ़ायदे बहुत मिल जाते हैं, डिस्क वगैरह में ही प्ले करिए, और कुछ गेम्स ऐसी होती है जो कि हम कभी भी उनको रीसेल नहीं करते, जैसे GTA 5 हमारी प्लेस्टेशन 4 में होगी उसको हम कभी सेल नहीं करेंगे। ऑल्सो काफ़ी लोगों के पास अपना प्लेस्टेशन 2 होगा, 3 होगा, उनमें GTA Vice City, San Andreas, 3, 4 GTA है ना, ऐसी गेम्स बहुत सारी होंगी उनके पास अपनी जो कि वो रीसेल नहीं करना चाहते, ऐसे GTA 6 भी आने वाली है जिसको कोई भी रीसेल नहीं करना चाहेगा, तभी मैं ये बात कर रहा हूँ कि यार प्लेस्टेशन 5 के साथ अगर आप जा रहे हैं तो आपको ऑलवेज ब्लूरे एडिशन या फिर
मेन एडिशन को ही लेना चाहिए, कोई भी डिजिटल एडिशन के साथ मत जाना। हाँ एक्सेसरीज वगैरह सब आप उसके साथ भी यूज़ कर सकते हो, बट आप वो मज़ा नहीं ले सकते जो कि सीरीज़ को डाल के मज़ा है। बस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर कोई अगली अपडेट्स आने वाली होंगी तो मैं आपको फिर बता दूंगा। तो आप हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऑल्सो बेल आइकन को भी प्लीज़ प्रेस कर देना ताकि आपको सारी की सारी अपडेट्स मिलती रहें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।